सुन, पाताल लोक की राजकुमारी, पूरा पाताल लोक मेरे वश में, और मैं तुम्हें पाठ पढ़ा रही हूँ कि किसी भी असुरी का निरादर करने पे क्या दंड मिलता है। क्या बात है, सुना कान्हा की बांसुरी को? सुना ये मधुर धुन, कौन बजा रहा है ये बांसुरी? मधुर बांसुरी का संगीत बंद क्यों हो गया? प्रणाम कान्हा। आज का दिन बड़ा अच्छा है। हाँ कान्हा, आपकी बांसुरी ने इसे और भी मनमोहक बना दिया है। अरे ऐसा लग रहा है कोई गया है। मैया, अरे लड्डू, आपको किस प्रकार पता चला कि मुझे आज लड्डू खाने का मन है? तेरा तो मन रोज ही मीठा खाने का होता है। माँ हूँ ना लल्ला, जानती हूँ। अच्छा दो। हाँ हाँ, जा सबसे पहले अपने दाऊ को बुला कर ला, जा। अरे मैया, कौन सुबह सुबह उनको कुश्ती खेलने में रोकेगा? और उन्हें इतना मीठा खाना खिलाओगी तो मोटे हो जाएंगे। दो मुझे दो। अच्छा ठीक है नटखट, खा ले, बलराम के लिए और बना लेंगे। वाह क्या लड्डू। तुम जो भी हो बाहर आ सकती हो, तुम्हें छिपने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे ज्ञात कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ? मुझे तो ये भी ज्ञात कि तुम बहुत अच्छा नृत्य करती हो, वो भी खास करके मेरी बांसुरी की धुन पर। और तुम इतनी तेज हो कि महल के पहरेदार भी तुम्हें पकड़ नहीं पाए, है ना? मैं तुमसे मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कौन इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। अच्छा तो अब देख लिया, बताओ कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं जपा कुसुम हूँ और मैं तुम्हारी सखी बनना चाहती हूँ कृष्णा। अच्छा क्यों? क्योंकि मैं रोज तुम्हारी मधुर बांसुरी की धुन पर नृत्य कर सकूं, तुम्हारे साथ अटखेलियां कर सकूं और क्योंकि तुम ही हो कृष्णा जिसे मैं इस संसार में पाना चाहती हूँ। तुम्हारे मीठे शब्दों के लिए आभार जपा कुसुम।
परंतु राधा और अन्य गोपियां तो मुझे पहले ही अपना बना चुकी हैं। अब मैं अपने आप को कितना बांट सकता हूँ? परंतु तुम चाहो तो ये लड्डू अवश्य तुम्हें बांट सकता हूँ। मुझे लड्डू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए कृष्णा। और तुमसे मृत्युता किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली कृष्णा। जिद्दी हो। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी पहले से ही इतनी सखियां हो उसकी सखी बनकर क्या पाओगी तुम? क्यों ना किसी ऐसे की सखी बना जाए जिसकी एक भी सखी ना हो, जो मुझसे भी बलशाली हो, मुझसे भी गुणी हो और जो हर तरह से महान मनुष्य है। काना भी ना अखाड़े में अपनी सखी को ले आया। इसे पता है यहाँ स्त्रियों का आना मना है। तो ये है तुम्हारा भाई बलराम, है ना? बलवान, विशाल, जैसे महाकाल। देखो तो सही कैसे घूम रहा है मुझे, एकदम मकड़ू जैसे। काना, तुम्हें पता है ना यहाँ स्त्रियों का आना मना है। क्यों? स्त्रियां क्यों नहीं आ सकती? ये कुश्ती का अखाड़ा है, यहाँ स्त्रियों का क्या काम? जो काम तुम्हारा है। अच्छा तो तुम कुश्ती लड़ोगे? क्यों, लड़कियां क्यों कुश्ती नहीं लड़ सकती? मुझे तो लगता है लड़कियां कुश्ती लड़ भी सकती हैं और बड़े से बड़े धुरंधर को इस अखाड़े में परास्त भी कर सकती है। अब मिली कोई दाव की टक्कर की? मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? चलो अखाड़े में तो हाथ हो जाए। मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठा। डरते हो? बात डरने की नहीं, बात सिद्धांत की है। और यदि तुम्हें कुश्ती करनी है तो उससे लड़ लो, भीम। इस पिद्दी से लड़वाओगे मुझे? तुमने मुझे इतना दुर्बल समझा है बलराम? तुमने मुझे पिद्दी कहा? लड़ूंगा तुमसे कुश्ती। लगता है तुमने कभी किसी लड़की को लड़ते हुए नहीं देखा। तो महाबलशाली बलराम, क्या मुझे यहाँ सब पहलवानों को पीटना होगा तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए, या फिर तुम सीधे सीधे मैदान में आ रहे? या तो फिर साफ साफ कह दो कि तुम्हें भय लगता है एक लड़की से हारने में। तुम इस डरपोक से मेरी मित्रता करने लाए थे कृष्ण? डरपोक, मुझे किसी से भय नहीं लगता, समझी तुम? और यदि तुम्हें कुश्ती लड़नी है तो यही सही, परंतु मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही तुम पर प्रहार करूंगा। मैं केवल अपना बचाव करूंगा। और यदि ऐसे में भी तुमने मुझे पछाड़ दिया तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मुझसे अधिक बलशाली हो। बस एक ही बार पछाड़ना है तो ठीक है, इस खेल का पंच मैं बनूंगा। आरंभ किया जाए। करो प्रहार, परंतु मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। देखती हूँ कब तक प्रहार नहीं करता।
तुम चाहती हो तो तुम अखाड़ा छोड़कर जा सकती हो। अब बोलो क्या कह रहे थे तुम? तुम बड़ा अच्छा लड़ ले। हार मान लो बलराम। तुम चाहो तो अभी भी हार मान सकती हो। नहीं, ये जीती। सही कहा दाऊन। इतने अनुभवी दाऊ का सामना टिकना, उन्हें दो बार पटक देना किसी जीत से कम नहीं है। तो कहो बलराम, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? बलराम, बलराम। अरे ये तो सबको अपना सखा बनाती फिर रही है। पहले तो ऐसे 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 नृत्य करने लग गई, उसके बाद ऐसे मटक मटक के महल पहुंच गई, उसके बाद कृष्ण की गोपिनी बननी चाही, और जब कृष्ण ने कहा कि मुझसे नहीं मेरे भाई से मित्रता कर लो तो वहां चली गई। गुरुदेव, ये क्या कृष्ण का वध करेगी? आप मेरी मानिए तो। चुप हो जाओ खटपटी। अगर हम तुम्हारे अनुसार चलने लगे तो कभी भी कोई कार्य पूर्ण ही नहीं होगा। तुम जानती भी हो ये कौन है? ये असुर लोक की राजकुमारी जपाकुसुम है। ये देखने में अवश्य भोली भाली नाजुक लगती है, किंतु तुम्हें इसकी शक्तियों का कोई आभास नहीं। तो कब होगा आभास गुरुदेव? ये राजकुमारी अधिक से अधिक कर भी क्या सकती है? ब्याह रचाकर अपने पति का जीना दूभर कर देगी। हर औरत की तरह तुम नारी की शक्ति को पहचानते नहीं हो। तुम्हें अभी पता चलेगा ये कब और किससे ब्याह करे और फिर उसका होगा क्या। ये कैसा प्रस्ताव? मैं किसी से मित्रता नहीं करता। बलराम रुको, क्यों? तुम तो स्त्रियों को कुश्ती के लायक भी नहीं समझते थे। हाँ, मेरा मतलब नहीं, वो अलग बात थी। क्यों अलग क्यों है? मैंने कुश्ती में तुमसे बराबरी की, और अगर तुम बाकी पहलवानों के साथ मित्रता रख सकते हो तो मुझसे क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ बलराम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब ये है कि तुम हर तरह से लायक हो जपाकुसुम। मैं मित्रता करने में इतना अच्छा नहीं हूँ। तुम जाओ ना काना के पास। काना को बहुत अच्छी तरीके से आता है मित्रता करना, अटकेलियां करना, गोपियों के संग रास रचाना, परंतु मुझे किसी भी लड़की से कोई सरोकार नहीं है। मैं ब्रह्मचारी हूं जपाकुसुम। काना, काना, तुमने मेरे साथ छल किया। तुमने कहा कि बलराम मेरा सखा बनेगा, पर अब वो कह रहा है कि उसे मुझसे मित्रता नहीं करनी। उसे उसे क्या लग रहा है कि मैं उसे विवाह करना चाहती हूँ? अरे शांत जपाकुसुम,
दाऊ ने आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की है, और तुमने तुमने तो उनसे कुश्ती भी लड़ ली। सोचो क्या अवस्था हो रही होगी उनकी इस समय। मेरी बात मानो, थोड़ा समय दो सामंजस्य बिठाने का। अब बिना किसी द्वेष के जाओ और अपना प्रयास जारी रखो। अगर इस बार उसने उद्दंडता दिखाई तो मैं उसे अवश्य दंडित करूंगी। दोनों भाई मिलकर बेचारी राजकुमारी को मूर्ख बना रहे हैं। गेंद की तरह यहां से वहां उछाल रहे हैं और ये उछले जा रही है। ये किसे भेज दिया आपने गुरुदेव कृष्ण के पास? मुझे। तुम्हें कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है खटपटी। गुरुदेव, जपा कुसुम के उलझे हुए मस्तिष्क को सुलझाना पड़ेगा। मैं अभी जाकर के इसकी बुद्धि सही करता हूं। नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगा और तुम चुप यहाँ खड़ी रहो, समझा? कहाँ से मुझे बताओगे? हाँ, सिर्फ मुंह तो बचा है, शरीर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मुंह बचा है। खटपटी, खटपटी, तुम आज जीवित शेष नहीं बचोगे। गुरुदेव, आज यहां शांति का एहसास हुआ है। अब बताइए गुरुदेव, ये जपा कुसुम की योजना क्या है? इसकी योजना है विवाह, और जब इसके मन अनुसार कोई कार्य नहीं होता तो इसको क्रोध आता है, और जब इसे क्रोध आता है तो उत्पन्न होता है भूकंप। अरे तुम फिर से यहाँ आ गई। हाँ, मैंने सोचा स्नान करने के बाद तुम्हारा मस्तिष्क थोड़ा साफ हो गया हो। एक लड़की को ऐसे एक लड़के के कमरे में नहीं आना चाहिए। लज्जा नहीं आती तुम्हें? कैसी लज्जा, हम मित्र हैं, और मित्रों में कैसी लज्जा? मित्र नहीं हूँ मैं तुम्हारा, कोई मित्रता नहीं करनी है मुझे तुमसे। कब पीछे छोड़ोगी मेरा? और फिर से वही बात। बहुत अपमान कर लिया तुमने मेरा बलराम। अब तक तुमने मेरी मित्रता, मेरी चेष्टा और मेरा प्रयास देखा, अब तुम मेरा क्रोध देखोगे। क्या हो रहा है तुम्हें? कौन हो तुम? मुझे क्रोध आ रहा है। दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा बलराम, आज देखते हैं तुम्हें कितना बल है। अखाड़े में बिना प्रहार किए हरा दिया था मैंने तुम्हें, और अब फिर से ललकार रही हो तुम मुझे। अब फिर मैं स्त्रियों पे, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, इसका राग मत अलपना शुरू हो जा बलराम। नहीं 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 नहीं, मैं स्त्रियों और लड़कियों पर बिल्कुल हाथ नहीं उठा रहा, परंतु असुर और असुरियों को मारने में मुझे जो आनंद मिलता है वो तुम नहीं सोच सकती हो, समझी? तुम मुझे कोई मामूली असुरी समझने की भूल मत करना बलराम। तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। कौन हो तुम और क्या कर रही हो ये? शक्ति प्रदर्शन। तुम्हारे प्रश्नों पर, मैं हूं जपा कुसुम, पाताल लोक की राजकुमारी, पूरा पाताल लोक मेरे वश में, और मैं तुम्हें पाठ पढ़ा रही हूं कि किसी भी असुरी का निरादर करने पे क्या दंड मिलता है। अब तुम पाताल के अंधकार में खो जाने के लिए तैयार हो जा बलराम। तुम ये सब करती रहोगी और मैं बस देखता रहूंगा, कुछ करूंगा नहीं। ना ना ना, हिलने का सोचना भी मत। अगर तुम थोड़ा सा भी हिले तो वो छोटा सा धरती का टुकड़ा जो तुम्हें बचाए हुए है
वो भी लामा में। और तुम खाई में, और मैं दाव बलराम काना मैया लला छपा को सुन, तुम तो यहां मित्रता करने आई थी ना, तो फिर शत्रुता पर क्यों उतर आई? इतना बुरा मान गई क्या? बुरा बहुत छोटा शब्द है कृष्ण, तुम्हारे भाई ने मेरा अपमान किया है, मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे भाई ने जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है ना, अब मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी। नहीं नहीं, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि दाव तुमसे क्षमा मांगे तो काना, मैं क्षमा पर्याप्त नहीं है मेरे निराधर के लिए कृष्ण। तो क्या चाहती हो तुम? विवाह। बलराम सिर्फ मुझसे ही विवाह करके जीवित रह सकता है कृष्ण, अन्यथा काना।